by Vaishnava. Yes. Manya अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं। वैसे तो भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को पुनः सक्रिय बनाने के उद्देश्य में कई उपाय बहुत सारे बताए गए हैं। उसमें सूक्ष्म सिंचाई स्कीम जैसी विद्यमान स्कीम को मजबूत बनाना और साथ साथ में केंद्रीय बजट 2010-11, 2012 में पूर्व क्षेत्र तरफ हरित क्रांति को ले जाना जैसी अनेक सारी योजनाएं सरकार ने बनाई है, फिर भी आज देश में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई स्टेट है, ये सारी स्कीमें होते हुए भी वो सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलता। वो सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने की वजह से ऐसे किसान बारिश आधारित खेती के बाद तुरंत बाकी के समय शहरों में पलायन कर जाते हैं, मजदूरी करने लिए अन्य कोई पण व्यवसाय में जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे बिन सिंचाई वाली खेती है उनको सिंचाई आधारित बनाने के लिए ये नए बजट में आओ कोई प्रावधान ले आ रहे कि नहीं? ये बात सच है कि अपने देश में 40% जमीन ऐसी है जहां एश्योर्ड इरीगेशन, एश्योर्ड वाटर का बंदोबस्त है, और वो 40% इरीगेटेड जमीन देश की 60% अनाज का उत्पादन तैयार करती है। देश में 60% जमीन ऐसी है जहां पानी के बारे में उनके हमेशा मानसून के अनसर्टेंसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वहां इरीगेशन का प्रोग्राम लेने की जिम्मेदारी हर राज्य सरकार की है। हर राज्य सरकार ने जो कोई कदम उठाने के लिए तैयारी उठाई है उसको यहां से एक्सेलरेटेड इरीगेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है, मगर पूरी खेती इस देश की इरीगेटेड नहीं है, ये बात सच है। और जब तक ये पूरा इरीगेशन का प्रोग्राम हाथ में लिया है सभी राज्यों ने, इसमें वृद्धि होगी नहीं तब तक इसमें बदलाव आएगा नहीं। श्री हर्ष कुमार।